मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, गोरखपुर व्यापार का बड़ा केंद्र है। यहाँ जितना बिजनेस पूरे देश में कहीं और नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार आदि के लिए करीब 7 करोड़ लोग गोरखपुर पर निर्भर हैं। इतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। बदलते गोरखपुर की नई तस्वीर में सबको अपना योगदान देना है। सरकार की मंशा गोरखपुर को निवेश का बेहतरीन गंतव्य बनाना है। यहाँ की उद्यमी का और व्यापारी निवेश करेंगे तो बाहर के निवेशक भी यहां आने के लिए प्रेरित होंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए निवेश बढ़ाना होगा। सीएम योगी एनेक्सी भवन के सभागार में उद्यमियों व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों संग संवाद कर रहे थे। उद्यमियों व व्यापारियों के सुझावों को इत्मीनान से सुनने के बाद उन्होंने कहा कि गोरखपुर और हम सब की पहचान एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप सब ने 5.5 साल में बदलते गोरखपुर को देखा है। NCR को छोड़ दें तो जितना निवेश गोरखपुर में हुआ है वह कहीं और नहीं दिखता। 8600 करोड़ से बना खाद कारखाना, 1100 करोड़ से बना एम्स, BRD मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के साथ ही गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। गोरखपुर वह शहर है जहां एक ही क्षेत्र में एम्स व मेडिकल कॉलेज की सुविधा है। यह चिकित्सा सुविधाओं का हब बन गया है। विकास के तमाम बड़े बड़े कार्य हुए हैं। सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण, चिड़ियाघर का निर्माण जैसे कार्य विकास की कहानी बताते हैं। रोड कनेक्टिविटी के साथ ही यहां शानदार एयर कनेक्टिविटी भी है। गोरखपुर से प्रमुख शहरों के लिए 14 फ्लाइट फुल होकर चलती है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के संग विकास की प्रक्रिया के साथ व्यापार भी तीव्र गति से आगे बढ़ा है। सीएम योगी ने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर पहले हम सड़कों पर आंदोलन करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शानदार एवं सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की पहली शर्त है। इसके साथ ही सुरक्षा व पर्याप्त बिजली की उपलब्धता भी इसके महत्वपूर्ण अंग है। ये सारी सुविधाएं शासन की तरफ से दी जा रही हैं। इन सुविधाओं का बेहतरीन उपयोग कैसे करें, इसके लिए हमें खुले दिमाग से कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए गोरखपुर के उद्यमियों व व्यापारियों को आमंत्रित करने के साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि निवेश की संभावनाओं को देखते हुए वह लैंड बैंक मजबूत रखें। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों के जो निवेशक पहले डर के कारण यूपी में आना नहीं चाहते थे, वे आज यहां बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 अक्टूबर को उन्होंने नोएडा में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का शुभारंभ किया। इससे डाटा तो सुरक्षित होगा ही, 39,000 करोड़ रुपए का निवेश भी प्राप्त हो रहा है। सीएम ने यह भी बताया कि 1 नवम्बर को लखनऊ में उनकी उद्यमियों से मुलाकात हुई थी। उन उद्यमियों ने 3,00,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने प्रोडक्ट के पैकेजिंग को शानदार बनाना होगा, अन्यथा कमज़ोर पैकेजिंग से हमारे उत्कृष्ट उत्पाद भी बाजार में पिछड़ जाएंगे। पहला इम्प्रेशन पैकेजिंग का ही पड़ता है और पहला इम्प्रेशन ही दिलो दिमाग में रहता है। उन्होंने बताया कि पैकेजिंग की महत्ता को देखते हुए उन्होंने MSME विभाग को पैकेजिंग इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कई योजनाएं पूरे देश में नायाब हैं। यहां की ODOP योजना को केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी लागू करने को कहा है। यूपी से निर्यात में 1.56 लाख करोड़ रुपए का योगदान ODOP का रहा है। इसी तरह यूपी की मिशन शक्ति और अभ्युदय कोचिंग योजना भी देश में नज़ीर बनी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी देश में 2 नंबर पर है। सरकार हर सेक्टर के लिए बेहतरीन नीति ला रही है, इससे निवेश के साथ राजस्व और रोजगार भी बढ़ेगा। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी खुशखबरी भी दी। उन्होंने बताया कि वह लखनऊ से गुड़धुइया नाला, देवरिया बाईपास, 4 लेन और TP नगर, पेडलेगंज और ब्रिज को मंजूरी देकर यहां आए हैं। इससे जल निकासी और सुगम आवागमन की बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। सीएम योगी ने उद्यमियों व व्यापारियों से स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ने और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों व व्यापारियों के सहयोग से ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत चौराहों पर लगवाए जा रहे CC कैमरे की सराहना करते हुए कहा कि इससे अब कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रयोग से गोरखपुर पूरे देश में कम खर्च में सेफ सिटी का शानदार मॉडल तैयार कर सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमी को खुद प्रेरित कर उनसे सुझाव मांगा। पैकेजिंग उद्योग से जुड़ी संगीता पांडे ने बताया कि 1500 रुपये से शुरू उनका कारोबार आज करोड़ में है।
उन्होंने सीएम से घरेलू महिलाओं को उनके खाली समय में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने संगीता पांडे की सराहना की और उनके सुझाव के अनुसार महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाने की बात कही। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा उत्तर प्रदेश देश के नक्शे पर चमक रहा है। 2017 के पूर्व प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट थी, उद्योग व व्यापार लायक हालात नहीं थे। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था में आमूलचूल सुधार किया। यहाँ के सुदृढ़ कानून व्यवस्था की पूरे देश में चर्चा है। व्यापार के लिए सुरक्षा के साथ ही मुख्यमंत्री ने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। गोरखपुर में तो विकास कार्य अभूतपूर्व है। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल ने कहा कि कोरोना काल की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की GDP 90.48 लाख करोड़ रुपये है। 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 43,000 से दुगनी बढ़कर 95,000 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि गीडा की स्थापना 1989 में हुई थी, लेकिन 2017 तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गीडा का जबरदस्त विकास हुआ है। गीडा में हाल के दिनों में 4,000 करोड़ रुपये का नया निवेश हुआ है। यहाँ गारमेंट पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और प्लास्टिक पार्क की स्थापना हो रही है। यही नहीं, 8600 करोड़ रुपए के स्थापित खाद कारखाना भी सीएम योगी के प्रयासों की देन है। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्रनाथ दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से गोरखपुर में मेडिसिटी भी बनने जा रही है। इससे लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएँ तो मिलेंगी ही, दवा व्यापारियों को बहुत फ़ायदा होगा। प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी अतुल सराफ ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में क्राइम खत्म हो गया है और सुविधाएं बढ़ी हैं। कारोबारी निश्चिंत होकर व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर के बारे में सोचना व्यापारियों का भी दायित्व है। सुपरिचित कपड़ा कारोबारी शंभू शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराध व अपराधियों पर लगाया गया लगाम सराहनीय है। पहले हम जहाँ जुगनू से डर जाया करते थे, आज सीएम योगी की छत्रछाया में सूरज से भी आंख मिलाते हैं। गैलेंट समूह के CMD चंद्रप्रकाश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर व प्रदेश के विकास की चर्चा करते हुए नई औद्योगिक नीति के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति नई निवेश परक है। इस नीति में सुरक्षा है, ईमानदारी है, सहयोग है। हम सभी उद्यमियों को निवेश करने को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि कभी अविकसित व कुख्यात रहे गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वे सपने भी पूरे हो रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी। इस अवसर पर रविकिशन शुक्ल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अजी सरिया, पूर्व अध्यक्ष SK अग्रवाल, उद्यमी अशोक जालान, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स के अध्यक्ष अनूप किशोर जायसवाल, सिंधी अकादमी के सदस्य नरेश बजाज, प्रमोद कुमार टेकड़ीवाल, चैम्बर ऑफ टेक्सटाइल के अध्यक्ष राजेश नेबानी समेत बड़ी संख्या में उद्यमी और व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष मणिनाथ गुप्ता, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्रनाथ दुबे, गोरखपुर टेंट व्यवसायी संघ के महामंत्री संजय श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन एवं सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने कहा। महापौर सीताराम जायसवाल जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह जी, हमारे विधान परिषद सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी से भी निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। महाराज जी आ गए हमारे बीच,
आज के इस उनके गरिमा में श्री सीताराम जसवाली उनको कुछ कुछ देकर के उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं त्योहार में और महाराज जी का को कुछ कुछ देकर स्वागत करें। मणिनाथ गुप्ता, महानगर अध्यक्ष, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल, गोरखपुर। आज हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है कि गोरखपुर के अपने शहर के माननीय मुख्यमंत्री जी व्यापारी और उद्योगपतियों के साथ एक बैठक आज किए हैं, जो है जिसमें हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय यह है जो है कि उन्होंने कुछ विषयों पे जो है को कुछ विषयों को उन्होंने बताया है जो है कि व्यापारियों के लिए और उद्योगों के लिए शासन और प्रशासन की तरफ से किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो बुनियादी चीज़ों को उन्होंने समझा है। और उसमें जो है प्रदेश सरकार के द्वारा जो इस समय उद्योग नीति जो अभी जारी की गई है उसमें गोरखपुर को विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है और गीडा के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, व्यापार के विकास के लिए, इन सभी बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा किया जो है। और चूँकि महाराज जी हमेशा व्यापारियों के साथ हमेशा बैठते रहे हैं जो है, शुरुआती दिनों में व्यापारी समस्याओं को लेकर के हम लोगों के बीच बैठते रहे हैं और हम लोगों ने व्यापारी आंदोलनों में उनके साथ हमेशा अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, इसलिए हमारी छोटी से छोटी समस्याओं को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और उन समस्याओं के साथ साथ शहर का कैसे विकास हो, प्रदेश में शहर की अपनी क्या भूमिका हो जो है, इन सभी विषयों पे चर्चा की गई है जो है। मैं योगेंद्र राज दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। आज गोरखपुर के विकास के लिए, असल में इन्वेस्टर समिट एक फरवरी में होने वाली है लखनऊ में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह है कि गोरखपुर के जो उद्यमी है, व्यापारी है, चाहे वो छोटा व्यवसाय करना चाहते हो, चाहे बड़ा व्यवसाय करना चाहते हो, जो इन्वेस्ट उनका छोटा से छोटा इन्वेस्ट, बड़ा से बड़ा इन्वेस्ट अपने जिले को और अपने प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाता है, तो उनका ये आह्वान था व्यापारियों से कि आप निवेश में समिट में आइए, आप एक को खुला माहौल मिलेगा, एकल विंडो सिस्टम मिलेगा, किसी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं होने जाएगी और उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर भी बुलंदियों पर पहुँचे। और यहाँ सफाई के लिए भी उन्होंने उम्मीद किया कि सब लोग शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें और इन्वेस्टमेंट की तैयारी करें, जिस भी स्तर पर जो चाहेगा, तमाम फूड पार्क है अभी और रेडीमेड गारमेंट में है, एक आध लोगों ने प्रस्ताव दिया पैकेजिंग के लिए है, तो जिस भी स्तर पर डेवलपमेंट हो सकता है हम तैयार हैं, आप आइए और मिलके पूरे गोरखपुर को और उत्तर प्रदेश को बुलंदियों पर ले जाएं, जिससे उत्तर प्रदेश के साथ देश में गोरखपुर का नाम हो। और आप बहुत सक्षम हैं और आप बहुत कैपेबल हैं और आप लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से गोरखपुर आगे बढ़ेगा। और उन्होंने आह्वान किया है हमको तैयारी करने के लिए, उन्होंने बोला है। संजय श्रीवास्तव, महामंत्री गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन का और पार्षद हांसूपुर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी उद्यमियों को और व्यापारी संगठन की एक बैठक इस नेक्सी भवन में किए हैं। 2023 में लखनऊ में समिट होगा व्यापारियों का, तो मेन फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि गोरखपुर के भी व्यापारी या उद्यमी उस समिट में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, अपना उद्योग लगाएं, ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो, गोरखपुर का औद्योगिक में भी विकास हो, गोरखपुर की उद्यमी भी बड़े बड़े पैमाने पर अपना उद्योग लगाएं। सरकार, प्रदेश सरकार उसका जो भी लोन देना चाहेगी वो लोन देगी, हर प्रकार सबमिट होगा और उसमें अपना उद्योग लगाए, इसी संबंध में ज़्यादा फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का था। हम व्यापारियों के साथ आज महाराज जी ने एक उद्योग बंधुओं के साथ
और तमाम शहर के व्यापारी अलग अलग संगठनों के लोगों को, करीब 22 संगठन थे, उनके साथ उन्होंने एक अच्छी वार्ता की और तमाम व्यापारियों से सुझाव भी मांगे कि व्यापार जगत में क्या कमी है, क्या बेची है, उसके बारे में भी गोरखपुर के विकास के बारे में उन्होंने चर्चा किया। और गोरखपुर के विकास बारे में आज महाराज जी ने जो 5.5 साल के अंदर जो विकास किया है वह हर आदमी जान रहा है कि पहले क्या था और आज क्या है। और गोरखपुर में व्यापार भी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हुआ है। हम लोगों को कनेक्टिविटी जो है, तमाम चौड़ी 4 लेन की सड़कें जो पहले यहाँ से लखनऊ तक थी, आज चारों तरफ चाहे बनारस हो, चाहे देवरिया हो, कुशीनगर हो, हर तरफ जो है लखनऊ हो, हर तरफ 4 लेन है। और आज अभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है देवरिया बाईपास जो है वो भी रोड 4 लेन होने जा रही है, और ओवर ब्रिज जो है वो भी बनने का नौसर से लेकर के और आगे तक जो है उन्होंने अभी सैंक्शन कर दिया है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने सड़कों को भी कहा है कि हम जो पुरानी बस्ती हैं उनकी सड़कों को भी हम चौड़ा कराने में पूरा सोचेंगे, और ताकि व्यापार जो है पुरानी बस्तियों में जो व्यापार आज जो है कम हो रहा है, गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, सचमुच व्यापार बाधित है, तो उसके ऊपर उन्होंने जो बात कही वह बहुत ही प्रशंसनीय है और उनका हम स्वागत करते हैं। और सब व्यापारियों के बारे में उनकी एक अच्छी सोच, समय निकाल करके जो आज वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में प्रोग्राम था कि शिक्षकों के बीच, उसके बाद जो समय बचा वह आज उन्होंने व्यापारियों के साथ 2 घंटा बिताया है, और जो अपने अनुभव बताए और जो व्यापारियों के साथ शेयर किया, क्योंकि तमाम बहुत से उन्होंने बताया कि जो यूपी में हम जो है बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए लोगों उद्योगियों को उद्यमियों को बुलाए हैं और यहाँ बहुत यूपी का विस्तार होगा, तो ऐसा सोच जो है महाराज जी का हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और महाराज जी के सोच से ही आज उत्तर प्रदेश इतना विकास कर रहा है, और हम सब गोरखपुर जो देख रहे हैं आज, गोरखपुर 2017 के पहले क्या था और आज गोरखपुर क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। चाहे आप एम्स देख लीजिए, फर्टिलाइजर देख लीजिए, चिड़ियाघर देख लीजिए, और यहाँ पर आपके तारामंडल में किस तरह से सुंदरीकरण हुआ है, यह सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो आज महाराज जी की जो पहल है आम जनता के लिए बहुत ही सराहनीय है, हम उसका स्वागत करते हैं। और GST में भी जो उन्होंने एक बहुत बड़ा हम लोगों को उपलब्धि दिया है कि जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन रहे, भले ही 40 लाख से कम का टर्नओवर रहे, लेकिन वो अपना रिटर्न भरते रहें, जीरो मतलब प्रॉफिट से करते रहें, उनको भी अगर कभी कोई कैजुअल्टी होती है तो उसमें 10 लाख रुपए का उनको इंश्योरेंस बीमा जो है उसका लाभ मिलेगा, और वो बहुत बड़ा चीज़ है व्यापारियों के लिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री को पा करके हम सभी व्यापारी बहुत गदगद हैं और उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं, उनका नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और आम जनता में जो लोकप्रियता उनकी है हम सब उसका भी बहुत स्वागत करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, और ईश्वर इसी तरह से योगी जी महाराज को हर कार्य में आगे बढ़ावे और जनता की सेवा में अग्रसर रहे। जय हिंद, जय व्यापारी। आज महाराज जी डेवलपमेंट को लेके विकास की यात्रा कैसे होगी, उद्यमियों के साथ की कैसे, और इसको गोरखपुर को कैसे और हर तरीके से रोजगार से लेके निवेश से लेके कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। आज राजधानी के रूप में गोरखपुर उभर के आया है, तो इसकी विकास की गति में कहीं कमी ना हो, यही सारी बातों पर चर्चा। नगर निगम चुनाव उसकी तैयारी करेंगे, लेकिन आज सिर्फ उद्यमियों पर पूरा ध्यान था।